नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, करंट अफेयर्स जो है आज के डेट में हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो चुका है। CHSL में भी जो स्टैटिक आते थे, अब उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है करंट के पूछे जा रहे हैं। तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं 9 मार्च के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले न्यूज़ से। पहला न्यूज़ रिगार्डिंग है इंडिया और यूरोप, यूरोप के 29 कंट्रीज़, यूरोप के और इंडिया के साथ जो बिजनेस का जो रिलेशन है उसके ऊपर एक्सचेंज करता है। यूरोप की कंट्रीज़ के साथ इंडिया अपना प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करता है, वहाँ से इंपोर्ट लेता है, यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। तो ये जो बिजनेस का है, यूरोप और इंडिया का जो रिलेशन है, इसके ऊपर पहला न्यूज़ है। ये पहला न्यूज़ जो है, ये जो फोरम हुआ है वो कहाँ हुआ है पूछने से, न्यू दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है फोरम जो है, न्यू दिल्ली में हुआ है। और ये जो इंडिया यूरोप 29 बिजनेस फोरम है, वो फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ कब स्टार्ट हुआ, 2014 में स्टार्ट हुआ। तो पहला न्यूज़ जो हो जाता है, इंडिया यूरोप 29 बिजनेस फोरम जो है वो न्यू दिल्ली में हो रहा है, और जो ये पहली बार स्टार्ट हुआ है वो है हुआ है 2014 में। अब इसके हम लोग फोकस कंट्री में आ जाते हैं। फोकस कंट्रीज जो है, ये फोकस कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक। क्या नाम है इसका नाम? चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है फोकस कंट्री है किस चीज़ का? इंडिया यूरोप 29 बिजनेस फोरम का। और 29 बिजनेस फोरम का जो थीम है, ये अपना यूरोप और इंडिया का जो बिजनेस फोरम है जो न्यू दिल्ली में हो रहा है 2014 में पहली बार हुआ है, फोकस कंट्री जो चेक रिपब्लिक है उसका थीम जो है, थीम क्या है? सिनर्जाइजिंग इकोनॉमिक विजन फॉर एक्सपेंडेड रिलेशंस। सिनर्जाइजिंग इकोनॉमिक विजन फॉर एक्सपेंडेड रिलेशंस जो है उसका थीम है। अगला हम लोग न्यूज़ में अगर आ जाएँ, तो ये जो विजन फॉर फ्यूचर है, ये एक इवेंट है। विजन फॉर फ्यूचर है, ये एक इवेंट है। ये कौन से दो कंट्री के बीच में होने का है? ये जो विजन फॉर फ्यूचर है कौन से दो कंट्रीज के बीच में होने का है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है CHSL का, आगे के क्वेश्चंस, आगे की जो भी एग्जाम की शिफ्ट है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। विजन फॉर फ्यूचर इवेंट जो है वो कौन से दो देशों के बीच में होने का है? तो ये दोनों देश का नाम है इंडिया और रशिया, इंडिया और रशिया। अब रशिया के अगर हम लोग स्टैटिक इफेक्ट्स में आ जाए, तो रशिया का कैपिटल क्या हो जाता है? रशिया का कैपिटल हो जाता है मॉस्को। और रशिया का करेंसी क्या हो जाता है? रशिया का करेंसी हो जाता है रूबल। और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या हो जाता है? उनका नाम हो जाता है वाल्मीदिर पुतिन जो है उनके प्रेसिडेंट का नाम है, किधर के? रशिया के। नेक्स्ट हम लोग अगर न्यूज़ में आ जाए, तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो एक फेस्टिवल से रिलेटेड है, लोसार फेस्टिवल। लोसार फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग ये लोसार फेस्टिवल होता किस स्टेट में है? इंडिया में होता है, लेकिन इंडिया के कौन से स्टेट में लोसार फेस्टिवल को मनाया जाता है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है पूछने से, आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक अफेयर्स में अगर अगर हम लोग आ जाएँ, तो उसका जो कैपिटल है वो हो जाता है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में जो लोसार फेस्टिवल होने वाला है, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल हो जाता है ईटानगर, और उसके जो चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं वो हो जाते हैं पेमा खांडू। कौन हो जाते हैं? पेमा खांडू, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इसके अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है वो है बी डी मिश्रा जी का। बी डी मिश्रा जी कौन है? उनके गवर्नर हैं। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बी डी मिश्रा जी। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, कल कल के वुमेन्स डे से रिलेटेड है। वुमेन्स डे जो 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है, वुमेन्स डे से रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है आप लोग देख सकते हैं, उसे जो वुमेन वुमेन एंटरप्रेनर्स है, वुमेन एंटरप्रेनर्स हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ है। वुमेन एंटरप्रेनर्स जो है उनके लिए क्या किया गया कल? कल कुछ स्पेशल जो किया गया है वो है उद्यम सखी .org। ये एक पोर्टल है, ये एक पोर्टल है जो वुमेन एंटरप्रेनर जो जो नए अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं या उसके लिए लोन लेना चाहते हैं या कोई भी स्कीम से, वो उद्यम सखी .org एक नया पोर्टल चालू हुआ है। किसके लिए? MSME, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस जो होता है, और वुमेन एंटरप्रेनर्स के लिए जो वुमेन न्यू बिजनेस चालू करना चाहते हैं अपना, वो उनके लिए उद्यम सखी .org जो है पोर्टल चालू किया गया है। कब? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, 8 मार्च मतलब कल। अगला न्यूज़ जो है नीति आयोग से रिलेटेड है। नीति आयोग ने क्या किया कल? कल क्या स्पेशल किया उसने नीति आयोग ने, किसके किसके रिगार्डिंग? वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रिगार्डिंग नीति आयोग ने क्या स्पेशल किया? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है,
वुमेन एंटरप्रेनर्स प्लेटफॉर्म, ये भी इंटरप्रेनर से रिलेटेड है। वुमेन को अपने अपने पैर पे खड़े होने के लिए उनको एक मौका दिया जा रहा है, उनको एक सहारा दिया जा रहा है। तो ये नीति आयोग ने भी एक कदम उठाया है, वुमेन एंटरप्रेनर्स प्लेटफॉर्म। अगर इसका थीम सॉन्ग की बात किया जाए तो थीम सॉन्ग जो हो जाता है वो है नारी शक्ति। थीम सॉन्ग जो है वुमेन एंटरप्रेनर प्लेटफॉर्म का थीम सॉन्ग जो है वो है नारी शक्ति। नारी शक्ति है अगर सॉन्ग, तो उसको कंपोज तो किया गया होगा कोई, और कंपोज किया होगा और गाया भी होगा। तो ये जो कंपोज किया और गाया है उसका नाम जो है कैलाश खेर है। कैलाश खेर ने नारी शक्ति जो है उस सॉन्ग को कंपोज किया है और गाया है। अब नीति आयोग के अगर हम लोग स्टैटिक इफेक्ट्स में आ जाए तो नीति आयोग के जो CEO हो जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाते हैं नीति आयोग के, वो हैं अमिताभ कांत, और जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम हो जाता है राजीव कुमार। वाइस चेयरमैन का नाम हो जाता है राजीव कुमार और CEO का नाम हो जाता है अमिताभ कांत। अगला जो है वो मोदी जी ने कल कहाँ गए और कहाँ से उन्होंने कुछ दो स्कीम उन्होंने चालू किए हैं, वो ये जो झुंझुन राजस्थान है, झुंझुन एक प्लेस है राजस्थान में, वहाँ जाके उन्होंने अपना अपना स्पीच दिया। उन्होंने अपने दो दो इम्पोर्टेंट स्कीम्स को स्टार्ट किया है, और एक इम्पोर्टेंट स्कीम तो हो जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि लॉन्च हुआ था कब, 22 जनवरी 2015 में, लेकिन उसको और अच्छे से प्रमोट करने के लिए कल मोदी जी ने कहा झुंझुन राजस्थान में जाके उसको और ज़्यादा प्रमोट किया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। अगला जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में टोटल बजट एलोकेशन कितना है, 9046 9046 9046.17 करोड़, 9046.17 करोड़ क्या है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का टोटल एलोकेशन बजट है, कितना हो जाता है 9046.17 करोड़। अगला जो यही इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट स्टैटिक इफेक्ट्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ वुमेन की बात हो रही है तो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर का नाम हो जाता है मेनिका संजय गांधी। मेनिका संजय गांधी हो जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर का नाम। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका इसका हेडक्वार्टर से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, हेड कौन है, वो हो जाते हैं SP गुप्ता। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन हेड कौन हो जाते हैं, SP गुप्ता। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था पहले, चेन्नई में। अब चेन्नई से हट के अब कहाँ हो गया है, हरियाणा। अब जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ हो गया है, हरियाणा में हो गया है। और अगर हम लोग एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट की बात तो कर ही रहे हैं, तो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो उसके यूनियन मिनिस्टर के बात इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक इफेक्ट्स में ये आ जाता है। अगर इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर की बात किया जाए तो उनका नाम हो जाता है महेश शर्मा। क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर का नाम हो जाता है वो हो जाता है महेश शर्मा। अगला जो है इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ जो है वो रिलेटेड है अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़, इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो 8 मार्च को मनाया जाता है, उसका 8 मार्च कब से ये चालू हुआ है, 1908 में पहली बार मनाया गया था 8 मार्च से, तब से वो हर साल मनाया जा रहा है। 8 मार्च 1908 से स्टार्ट किया गया था, और इस साल का जो थीम है वो क्या है, प्रेस फॉर प्रोग्रेस। इस साल का जो थीम है वुमेन्स डे का वो हो जाता है प्रेस फॉर प्रोग्रेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च का क्या थीम है, डायरेक्ट हो जाता है आपका आंसर क्या हो जाता है, प्रेस फॉर प्रोग्रेस। अगला न्यूज़ जो है सिडबी से रिलेटेड है। सिडबी अभी न्यूज़ में चल रहा है तो उसके इसलिए उसके स्टैटिक रेफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडिया है शायद, बोर्ड ऑफ इंडिया, मैं इसको कंफर्म करके बताऊंगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया है। और उसके जो हेड हो जाते हैं वो हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी। इसके हेड जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी जो है सिडबी के हेड हो जाते हैं। और सिडबी अगर बात हो रहा है तो कब चालू हुआ, 2 अप्रैल ऑफ 1990, 2 अप्रैल ऑफ 1990 में सिडबी चालू हुआ था। और उसके बाद हम लोग उसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो उसकी हेडक्वार्टर हो जाता है लखनऊ। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है लखनऊ यूपी हो जाता है। अगला न्यूज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रिट्जकर प्राइज़, पहली तो बात है कि प्रिट्जकर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, और अगर प्रिट्जकर प्राइज़ जिस फील्ड में दे रहे हैं तो किसको दिया गया है,
ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो प्रिट्जकर प्राइज जो है वो आर्किटेक्चर की फील्ड पे दिया जाता है। क्या है प्रिट्जकर प्राइज? जो है आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है, और किसको दिया गया है? तो ये नाम हो जाता है B.H. दोषी। B.H. दोषी को अभी अभी प्रिट्जकर प्राइज अभी अभी दिया गया है, जो कि आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ टेकअवेज हैं, जो कि काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगे के एग्जाम्स के लिए। CHSL, SBI, आगे IBPS होने वाला है, और उसके बाद ये काफ़ी प्री के एग्जाम्स होने वाले हैं। कैनरा का अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसमें भी काफ़ी करंट अफेयर्स पूछा गया। अभी जो CHSL चल रहा है, काफ़ी करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो आगे के एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो ये करंट अफेयर्स के वीडियो को अच्छे से लिख, इसको आप लोग जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना आप लोग को याद रहेगा। और आगे के हर एग्जाम में करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को रोज़ इस टाइम पे मैं डाल दूंगा वीडियोस कि क्या 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 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप लोग को अपने नोट्स नोट्स तैयार रखना है। नोट्स तैयार करके उसको रोज़ रात को रिवाइज कर लेना है, उससे आप लोग का क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स पक्का हो जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और लाइक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।